हेलो एवरीवन, नवरत्न रसोई में मैं डॉक्टर लता आपका स्वागत करती हूँ। तो शुरू करते हैं आज की बहुत ही लाजवाब रेसिपी। उसके लिए हमें चाहिए एक बीटरूट। ये हमने बीटरूट लिया है, इसे हमने पानी में धोकर अच्छी तरह से साफ कर लिया है। अब इसका हमें इससे छिलका अलग करना है। इसका हम छिलका इससे छील कर अलग कर देंगे इस तरह से। ये देखिए, अब बस इसको हमें टुकड़ों में काट लेना है। और अब लेंगे एक मिक्सर जार, इसमें हमें बीटरूट को डालकर इसका एक अच्छा सा पेस्ट बनाकर तैयार करना है। इसके लिए इसमें हम ये 1/4 कप पानी ऐड करेंगे और इसका एक अच्छा सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए, चुकंदर का पेस्ट बनकर हमारा तैयार हो गया है। अब इसे एक बाउल में निकालकर हम रख देंगे। इसे हम साइड रख देते हैं और अपनी आगे की रेसिपी की तैयारी कर लेते हैं। अब हमने लिया है एक बोल और इसमें हमने ये 1 कप गेहूं का आटा लिया है। इसको हम इस तरह से इसमें डाल लेंगे और इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून सूजी, 1 टेबल स्पून देसी घी, आप चाहें तो इसकी जगह ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, 1/2 टीस्पून नमक। अब इन सबको हमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका हमको डो लगाकर तैयार करना है। हमको इसका सॉफ्ट सा डो ही लगाकर तैयार करना है। ये लीजिए, डो लगकर हमारा तैयार हो गया है। ये ना बहुत ज़्यादा टाइट है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अब बस इस पर हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे जिससे कि ये सूखे ना, और इसे ढककर 5 मिनट के लिए रख देंगे जिससे कि आटा हमारा अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया है और बस अब हमको क्या करना है, अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाकर तैयार करेंगे इस तरह से। जब आटा हम इस तरह से लगा के रख देते हैं तो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। ये देखिए, बहुत अच्छा आटा हमारा बनके तैयार हो गया है और बस अब इसकी हमें छोटी छोटी लोइयां तोड़कर तैयार कर लेनी है इस तरह से। और अब इनके हमें इस तरह से गोल गोल पेड़े बनाकर तैयार कर लेने हैं। ये सभी लोइयों के मैंने पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। ये करीब 11 लोई हमारी बनकर तैयार हुई हैं। और अब क्या करना है, हमें लेनी है इस तरह की चलनी। ये सभी के घरों में बहुत आराम से मिल जाती है। और अगर आपके घर में ये चलनी नहीं भी है तो भी मैं आपको दूसरी तरह से भी ये रेसिपी बनाना बताऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं कि हमें आगे क्या करना है। ये इस तरह से हमें अपना एक ये लोई ले लेनी है और इसको इस तरह से इस चलनी पर रखना है और इस तरह से इसको हाथ से दबाते जाना है। इसे हमें हाथों की मदद से ही फैलाकर बड़ा करना है। बहुत आराम से ये हो जाता है, बहुत आसान है ये रेसिपी बनाना। मैं आपको दिखा रही हूँ, बनाना बता रही हूँ, इसलिए मैं इस प्रोसेस को धीरे धीरे कर रही हूँ। अगर आप एक बार बनाएंगे तो फिर आप बहुत आराम से बहुत जल्दी इसको बना लेंगे। ये देखिए, ये हमने पूरी उंगली की हेल्प से इसको बनाकर तैयार कर लिया है। और अब थोड़ा सा इसको इवन करने के लिए हम हल्का सा बेलन इसके ऊपर चलाएंगे इस तरह से। अब इसे हमें इस तरह से उल्टा कर लेना है और ये जो हमने बीटरूट का जूस बनाकर तैयार किया था, अब इसको हमें इस तरह से ब्रश पर लेना है। ये हमने इस तरह से ब्रश में ले लिया है और हल्का हल्का हम इस पर इस तरह से लगा देंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये हमें हल्का हल्का लगाना है। इस तरह से हम पूरे इस पर 2 या 3 बार फेर देंगे। ये देखिए, और बस अब हम इसको अच्छी तरह से इस तरह से उठा लेंगे। ये देखिए कितनी सुंदर बनकर ये हमारी तैयार हो गई है रेसिपी। अब इसी तरह से हम अपनी सारी जितनी भी हमने लोइयां ली हैं उनको इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। मैं आपको इस चलनी के अलावा भी इसको कैसे बना सकते हैं वो भी बता देती हूँ। ये हम इस तरह का झारा ले लेंगे, ये सभी के घर में होता है, और इस पर हम थोड़ा सा ऑयल या घी कुछ भी लगा लेंगे।
और बस ये हमने एक और पेड़ा ले लिया है और इसको हम इस पर रखेंगे और इस तरह से इसको भी उंगली की हेल्प से बड़ा कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके पास बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जब भी इस तरह की अच्छी अच्छी और क्रिएटिव रेसिपीज डालूं तो उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बनकर तैयार हो गई है और इस पर भी हम हल्के हाथ से बेलन चला देंगे, जिससे कि ये बिल्कुल इवन हो जाए, एक सा हो जाए। और बस इस पर भी ये हमने जो बीट रूट का जूस बनाकर तैयार किया है इसको इस तरह से लगा देंगे। और बस अब इसको भी हम निकाल लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से पूड़ी बनकर हमारी तैयार हो गई है और इसी तरह से हम अपनी सारी पूड़ियां बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हमने लिए एक कढ़ाई और गैस ऑन करके घी गर्म करने के लिए रख दिया है। आप घी की जगह ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। घी हमारा अच्छा गर्म हो गया है, इसमें हम थोड़ा सा ये आटा डालकर देख लेते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल सिककर ऊपर आ रहा है, इसका मतलब घी हमें जैसा चाहिए वैसा परफेक्ट गर्म है। और बस अब हम आगे अपनी रेसिपी बनाएंगे। घी हमारा अच्छा गर्म हो गया है, अब बस इसमें हम इस तरह से पूड़ी डाल देंगे। बस आप ये ध्यान रखिएगा पूरी पे ये जो डॉट वाला हिस्सा है इसे हमें ऊपर की तरफ रखना है और इस तरह से घी डालते हुए हम इन पूड़ियों को सेक कर तैयार करेंगे। इस तरह से पूड़ियाँ बनाना बहुत आसान है, बड़ी फूली फूली और सुंदर पूड़ियाँ ये बनकर तैयार होती हैं। जब कभी आपके घर में मेहमान आए तो आप इस तरह से एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। इन पूड़ियों का स्वाद उनको बहुत पसंद आएगा, बहुत लाजवाब होती हैं ये स्वाद में और ये देखने में भी बहुत सुंदर लगती हैं, वो आपकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे। ये देखिएगा बस इस तरह से हम अपनी पूड़ियों को सेक कर तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैं आपको पास से दिखा देती हूँ कितनी अच्छी और सुंदर पूड़ी बनकर तैयार हुई है। इसी तरह से हम अपनी सारी पूड़ियां सेक कर तैयार कर लेंगे। ये देखिए तो ये लीजिए गर्मा गर्म हमारी ये पूड़ियां बनकर तैयार हैं, जिसे सर्व किया है मैंने मिर्च के अचार और मशरूम मटर की सब्जी के साथ। आप चाहें इसे किसी भी सब्जी के साथ खा सकते हैं, आलू की सब्जी, मटर की सब्जी या किसी भी तरह के रायते के साथ, ये बहुत टेस्टी लगती है। ये मिर्च के अचार की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। और ये बहुत ही सुंदर थाली बनकर हमारी तैयार हो गई है जो खाने में बहुत स्वादिष्ट है। ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है स्वाद में भी उतनी ही लाजवाब है। तो अब जब भी आपके घर मेहमान आए एक बार आप इस तरह से पूड़ियाँ बनाकर ज़रूर उनको खिलाइए, उनको बहुत पसंद आएगी और वो आपकी बहुत तारीफ करेंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ इन पूड़ियों को बनाए हुए, करीब मेरे को 10 मिनट हो गए हैं फिर भी ये बहुत कड़क हैं अभी। ये देखिए आप इनकी आवाज़ से समझ पा रहे होंगे और एकदम क्रिस्पी रखी हुई है। मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ, ये देखिएगा। तो इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज देखने के लिए आप मेरे चैनल नवरत्न रसोई को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जब भी इस तरह की कोई रेसिपी डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब नवरत्न रसोई ऑन यूट्यूब, लाइक नवरत्न रसोई ऑन फेसबुक एंड फॉलो नवरत्न रसोई on Instagram and Twitter.